आज की क्लास में इंशाल्लाह हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट को कैसा डिफाइन करते हैं। सपोज़ दो वेक्टर्स है तो वेक्टर प्रोडक्ट बताएंगे हम, ऐसा ए क्रॉस भी लिखेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। सर इसका फॉर्मूला रहेगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन वैक्टर। अभी इसमें एक टर्मिनोलॉजी क्या है हम समझेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, क्रॉस से लिखना है वेक्टर्स में, अगर डॉट लिख दिया तो ये अलग हो जाता, मतलब बदल जाता। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, बस इतना ही डेफिनेशन रख लो, मॉड ए मॉड बी साइन टीटा इंटू एन वैक्टर, है ना। अब इसमें एक एक चीज़ समझेंगे हम, टीटा क्या रहेंगे, टीटा इज द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स। सपोज ये ए है ये बी है ना, तो टीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन वैक्टर। सपोज ये प्लेन है जिस पर हम वैक्टर्स उतारे, तो ए क्रॉस बी कैसा जाता है, याद रखना परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर रहता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उस वजह से ये एन वेक्टर क्या है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी एन गिव्स द डायरेक्शन, एन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस प्रोडक्ट, और मॉड ए मॉड बी इन टू साइन थीटा ये देता है मैग्नीट्यूड। उस वजह से ए क्रॉस बी को हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द, कैसे लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वैक्टर्स एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द, ये हो गया मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। तो याद रखना ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी इनटू साइन थीटा इनटू एन वेक्टर, ठीक है। अब इसके थ्रू प्रॉपर्टीज है, थे प्रॉपर्टीज क्या है इसका, और एक चीज़ याद रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरी चीज़ है यहाँ पे याद रखना, दो पैरेलल वेक्टर्स है समझो, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो है था, इसलिए साइन जीरो जीरो आता है, इसलिए पूरा जीरो है था, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पैरेलल वेक्टर्स, जैसे आई क्रॉस आई है या जे क्रॉस जे है या के क्रॉस के है, ये क्या होता है, ये पूरे जो है जीरो से आते हैं। दूसरी चीज़ याद रखना, और एक बात याद रखना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, कैसा रहता है वो, तो सपोज ये प्लेन है, सपोज ए क्रॉस बी ऊपर के साइड जा रहा तो उसका ऑपोजिट बी क्रॉस ए नीचे के साइड जाता, तो उस वजह से ऐसा भी सकते हैं आप चाहे तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए होता, अलबत्त एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओपे करता, ऐसा समझिए ए क्रॉस बी प्लस सी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उसको लिख सकते हैं हम ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इट ऑबेज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक चीज़ भी याद रखना, आई क्रॉस जे ये होता के, क्योंकि आई और जे के परपेंडिकुलर के होता, वैसे जे क्रॉस के होता आई, वैसे के क्रॉस आई होता जे, तो ये इसके प्रॉपर्टीज है। एक बार रिवाइज कर लो मैं, पहले हम डेफिनेशन डिफाइन कर ले, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट, इट ओबेज, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेयर इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको और एक क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस, पैरेलल वेक्टर्स का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता। इसको एक बार डिटेल में यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, देखिए इफ ए एंड बी आर टू वैक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द देम, देन द वैक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन वैक्टर। ऐसे बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वैक्टर्स एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड इट्स डायरेक्शन एन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और एक क्या लिखा है, वैक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट, भी समझा मैं, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ए क्रॉस बी इज यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू हैंगा बी क्रॉस ए। और कैसे लिख सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए रहेगा। इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, भी बताया ना मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ए नल वेक्टर, यानी जीरो आता है, जैसे दो सेम वेक्टर्स है ए क्रॉस ए या आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे, क्या हो जाएगा, जीरो। और ये भी समझा ना, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे, तो इसको